અન્ય સમાચારની વાત 18મી લોકસભાનું પહેલું સંસદ સત્ર આજથી શરૂ થવાનું છે। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી શપથ ગ્રહણ કરી રહ્યા છે। પ્રધાનમંત્રી તરીકે શપથ ગ્રહણ કરી રહ્યા છે। સંસદમાં તેઓ પહોંચી ગયા છે। તો સંસદનું પ્રથમ સત્ર આજે પ્રધાનમંત્રી મોદી સહિત તમામ સાંસદો ત્યાં ઉપસ્થિત છે। તમામ સાંસદો શપથ પણ લેવાના છે। તો 280 સાંસદો શપથ ગ્રહણ કરવાના છે। સૌથી પહેલા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી શપથ ગ્રહણ કરી રહ્યા છે। તથા જીસ પદ કો મેં ગ્રહણ કરને વાલા હું उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री फग्गन सिंह कुलस्ते। साथियों, संसदीय लोकतंत्र में आज का दिवस गौरवमय है। यह वैभव का दिन है। आजादी के बाद पहली बार हमारी अपनी नई संसद में ये शपथ समारोह हो रहा है। अब तक ये प्रक्रिया पुराने सदन में हुआ करती थी। आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर मैं सभी नवनिर्वाचित सांसदों का हृदय से स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं और सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। संसद का ये गठन भारत के सामान्य मानवीय के संकल्पों की पूर्ति का है। नए उमंग, नए उत्साह के साथ नई गति, नई ऊंचाई प्राप्त करने के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। श्रेष्ठ भारत निर्माण का, विकसित भारत 2047 तक का लक्ष्य, ये सारे सपने लेकर के, ये सारे संकल्प लेकर के आज 18वीं लोकसभा का प्रारंभ हो रहा है। विश्व का सबसे बड़ा चुनाव बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही गौरवमय तरीके से संपन्न होना ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व की बात है। करीब 65 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया। यह चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण बन गया है कि आजादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने के लिए देश की जनता ने अवसर दिया है। और यह अवसर 60 साल के बाद आया है।